Akle nur şudam nez kızayım hakim lillahi elhamdü ki men darç-ı mukaymi uftadım. Tasavvuf kya hai? Tasavvuf nafs ka aatva mertaba hai. Pehle nafs-ı ammara, iske baad nafs-ı lavama, nafs-ı lavama ke baad nafs-ı mutmainna, uske baad nafs-ı mulhima, iske baad nafs-ı raziya, iske baad nafs-ı marziya, iske baad nafs-ı kamila, iske baad nafs-ı safiya. Jis nafs ko nafs-ı safiya hota usko bolte sahib-i nafs-ı safiya, usi ka naam hai sufi. Lekin aaj ke daur mein aap samajhte hain ki sufiya-i kiram ya sufizm ko galat tarike se interpret kiya ja raha hai. Al ilmu hijabul akbar sabse bada jo parda aur hijab hai wo ilm hi hai. Ulama-i kiram aapas mein pate hue hain, social media ke zariye ek dusre ke upar taana kar rahe hain aur jo maslak ki munafrat hai usko hawa di ja rahi hai, usko phailaya ja raha hai. Hazrat Shah Hamdan yahan deen leke aaye hain, maslak ke liye nahi aaye. Logon ki ek badi tadad social media pe hai, ulama-i kiram ke khilaf zuban darazi karte hain. Assalamu alaikum nazreen, khush aamdeed hai aapka Kashmir News Bureau mein. हमारे साथ है वादी कश्मीर के मुमताज़ बुजुर्ग आलमी दीन मौलाना खुर्शीद अहमद कानूनगो साहब. हज़रत आपका शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए. सबसे पहले हज़रत हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि रूहानियत रूहानियत रूहानियत, हम रूहानियत का कंसेप्ट हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे. रूहानियत का मसला खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल फरमाया है. जब हज़रत जिब्रील बिन अलैहिस्सलाम ने सवालात किए इंसानी सूरत में, बरवाज हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक शख्स आया सफ़ेद मलबूस लिबास में, ज़ुल्फ़ान मुबारक लंबे थे, सफ़र से नज़र आते थे, दूर से नज़र आए हुए हैं, और उन्होंने तीन सवाल जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ज़ किए. मल इस्लाम या मोहम्मद, इस्लाम क्या है? हुज़ूर ने फरमाया इस्लाम वही फंडामेंटल्स जो है, तौहीद, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज. उसने अर्ज़ की मल ईमान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हुज़ूर ने फरमाया इन आमाल पर यकीन लाकर मरने के बाद ज़िंदा होने की, खैर शर अल्लाह ताला के दस्त कुदरत में है, कज़ा व कदर दस्त कुदरत में है, और क़यामत और जन्नत और अजाबु अजर इन तमाम चीज़ों पर ईमान होना चाहिए. ये काफ़ी है. इस्लाम इबादत और जो चीज़ हमने देखे नहीं हैं उन पर यकीन लाना, इसको कहते हैं ईमान. ईमान भी और यकीन भी. मगर उससे तीसरा सवाल फरमा अर्ज़ की मल एहसान या मोहम्मद, एहसान क्या है? फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اس طرح خدا کی عبادت کرو گویا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اگر تمہیں یہ دیکھنے کی طاقت نہیں مگر یہ ایمان رکھو وہ دیکھ رہا ہے. اور اسی کنسپٹ کو جس اس انسان کو جتنا اسلام مضبوط ہو, جس کو اتنا ایمان مضبوط ہو, उसको उसी मुताबिक एहसान बशक्ल रूहानियत होता है. क्योंकि रूहानियत एक जैसे ही नहीं होगी. ईमान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, इबादत के मुताबिक और कबूलियत के मुताबिक. लिहाजा रूहानी कंसेप्ट जो इसी एहसान का दूसरा मुतरादिफ लफ्ज़ है. मैं नहीं कह रहा हूँ, कश्मीर हिंदू आलम इस्लाम का बहुत बड़ा आलिम जनाब हज़रत शेख़ुल शुयूख शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जिन्हें बराह रास्त बैत थी हज़रत शेख सैयद बिलकौसर, उन्होंने फरमाया अवारिफुल मुआरिफ, फरमाया अगर कुरान में तसव्वुफ़ का लफ्ज़ नहीं है मगर तसव्वुफ़ एहसान का ही मुतरादिफ़ लफ्ज़ तसव्वुफ़ है. तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ नफ्स का आठवां मरतबा है. पहले नफ्स अम्मारा, इसके बाद नफ्स लवामा के बाद नफ्स मुतमईना, उसके बाद नफ्स मुलहिमा, इसके बाद नफ्स राजिया, इसके बाद नफ्स मर्जिया, इसके बाद नफ्स कामिला, इसके बाद नफ्स साफिया. जिस नफ्स को नफ्स साफिया होता उसको बोलते हैं साहिब नफ्स साफिया, उसी का नाम है सूफ़ी. सूफ़ी लंबा फेरन और चगे पहनने को, बल्कि जिस इंसान को इत्मीनान का दिल
आठवीं मर्तबा पर जिसने जिसका दिल इतना साफ हो उसको इबादत के वक़्त खुदा के बगैर किसी का ख्याल नहीं आता है और इसी साफियत से वो इस्लाम का प्रचार करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइन यस्सी, हज़रत शेखुल आलम, हज़रत शाह हमदान आलिम भी थे, वली खुदा भी थे, सूफी भी थे। और एक बात है, सूफी उसको कहते हैं जिसको अपने दिल पर नज़र रखने की ताकत हो कि कोई गैर के बगैर कोई अंदर न गया। लिहाजा इस अंदाज से कश्मीर में इस्लाम आया है। इस्लाम ईमान और तसव्वुफ़ की शक्ल में, रूहानियत की शक्ल में, लिहाजा इस्लाम और ईमान की तालीम मस्जिद में दी जाती है और एहसान की तालीम खानकाह में दी जाती है। यहाँ मुर्शिद बारक होता है, वो इस दिल को इतना मजबूत करता है, जब यही मुरीद बाहर निकलता है उसको किसी भी शख्स के उल्टा कहने से इसका ईमान बदलता नहीं है, यानी कि खानकाहियत जो है वहाँ मजबूत ईमान हो जाता है। और इसी शक्ल में इस कश्मीर में इस्लाम आया है। चूँकि आपने बड़े ही मुदल्लल अंदाज में सूफिया इकराम के हवाले से भी तशरीह फरमाई और साथ ही रूहानियत को भी बड़े मुदल्लल तरीके से आपने बयान फरमाया, लेकिन आज के दौर में आप समझते हैं कि सूफिया इकराम या सूफीज़म को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है? भैया इसके जिम्मेदार भी हम हैं। हमने फ़क्र छोड़कर मकर इख्तियार किया, हमने दिल को पाक करने के बजाय शिकम परस्ती हासिल की। जब इंसान को शिकम परस्ती गालिब होता है वो असल हकीकत जो है वो पेश नहीं कर सकता है। लिहाजा जब हमारे असलाफ, हमने असलाफ किराम की असल तालीम छोड़ दी, फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी नाम इसी लुबादे में इसको दुनियाई शक्ल देकर नफसानी ख्वाहिशात पेश की। और जब इसके मुनकिरीन यही हालत देखते हैं इसलिए वो इससे मुतनफिर हो जाते हैं, मगर उनको तालीम, उनको मालूम है कि असली हकीकत क्या है। लिहाजा इसके ज़िम्मेदार भी हैं। लिहाजा हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो शरीयत मुतहरों को कायम रखें। वो पीर तरीकत है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है जिसने शरीयत के जड़ों को मजबूत नहीं किया। जिस पीर तरीकत होकर जिसने नमाज छोड़ दी, जिसने अकायद अकायद छोड़ दिए, उसने शरीयत को आबियारी नहीं की बल्कि उसने हमारी शरीयत को इनकार किया। हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम दी कि आप पहले शरीयत को मजबूत करो फिर तरीकत में उतर जाओ, जब तरीकत में आप पूरा हो जाएगा तब आप मारिफत में उतर जाओ, जब मारिफत में आप उतर जाएंगे तब आओ हकीकत में जाएंगे। आप मैं एक मिसाल में समझाऊंगा, ज़मीन में दरख्त उगाना, दरख्त गाड़ना मेवे के लिए, यह शरीयत है। जब इसमें फल आए यह फल तरीकत है। जब इस फल हम पुख्ता देखेंगे, जब हम उसको खाएंगे, इस खाने को मारिफत कहते हैं। जब हम इस मेवे का रस का हम ये देख इम्तियाज करें ये किस मेवे का रस है। लिहाजा फल दरख्त उगाना, फल तैयार करना, फल नोश करना, फिर फल की हकीकत समझना, मिठास समझना। आप समझे, अगर कोई बीमार होगा, अगर कोई डॉक्टर कहेगा इसको जबान से मत डालिए, इसको इन्फेक्शन होने का खतरा है, आप इसको पाइप डालिए, जब पाइप के जरिए उसको तनावल हम कुछ खाना दे, क्या वो उसका मजा चख सकता है? नहीं, क्योंकि जबान चखने के लिए, मजा चखने के लिए जबान होनी चाहिए। लिहाजा जब शरीयत के बाद, तरीकत के बाद, मारिफत के बाद वो हकीकत का मजा चखे, वही सूफी किराम। इस्लाम में उलमा को अल उलमा वरासतुल अंबिया कहा गया, अल उलमा वरासतुल अंबिया। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद सोशल मीडिया पे है, उलमाए किराम के खिलाफ जबान दराजी करते हैं, तो इसकी क्या वजूहात समझते हैं? अल इल्म हिजाबुल अकबर, सबसे बड़ा जो पर्दा और हिजाब है वो इल्म ही है। अगर उस इल्म के साथ मारिफत खुदा मदन हो, इबलीस को इल्म था मगर मारिफत खुदावंदी महरूम था। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को इल्म था मगर मारिफत भी था। यही वजह है जिसने पढ़ाया
उसने इनकार किया, जो शागिर था उसने इकरार किया और अल्लाह ताला ने उसको सजदा करने की तौफीक दी। लिहाजा इल्म, इल्म से क्या हो जाता है, इल्म से वो मंजिल मकसूद तक दरवाजा, दरवाजे तक पहुंचना आसान हो जाता है, मगर जब इल्म सही हो तब वहाँ दरवाज़ा खोला जाता है, क्योंकि इल्म सिर्फ मंजिल मकसूद के दरवाजे तक पहुँचने का नाम है। फिर जब वहाँ दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ इल्म लुदनी आता है, जब इल्म लुदनी और इल्म मिल जाता है वो किसी आलिम की मुखालफत नहीं कर सकता। ये तो आपने मुख्तसर अंदाज में मुदल्लल इसका जवाब दिया। हज़रत एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि आजकल हम देख रहे हैं कि उलमाए किराम आपस में बटे हुए हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के ऊपर ताना कर रहे हैं और जो मसलक की मुनाफरत है उसको हवा दी जा रही है, उसको फैलाया जा रहा है। तो आप चूँकि बुज़ुर्ग आलम दीन हैं, आपकी क्या नसीहत और वसीयत है और क्या समझते हैं आपकी इसकी क्या वजूहत हैं? ये तालीम हमको शाह हमदा ने फरमाई है, वो बजात खुद हज़रत इमाम शाफिल के शाफिल मसलक रहमतुल्लाह, हज़रत इमाम शाफी के ताबियादार थे, मुकलिद थे, मगर मुकलिद होने के बावजूद उन्होंने फरमाया यो जो पहले हज़रत बुलबुल साहब आए हैं ये फ़रूआत में, फ़राइज़ में हम एक हैं, वाजिबात में हम एक हैं, सुन्नत मुअक्कदा में हम एक हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा में हम एक हैं, मुस्तसन में हम एक हैं, इस्तदलाल में हम एक हैं, इस्तेहसान में हम एक हैं, और जहाँ कोई पोशीदगी है और जब वो उलमा जिनको अल्लाह ताला ने ये सब उलूम अता किए हैं वही लोग वो हल तलब मसला खोल सकते हैं, उस खोले हुए मसले को हम तकरीद कहते हैं, मगर नमाज में हम एक हैं। लिहाजा हज शाहिद ने फरमाया ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी दीन है, ज़रूरी अकायद है, ज़रूरी वाजिबात है, लिहाजा आप इसी हनफी तरीके पर रहो जिस तरीके पर हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह हमदान यहाँ दीन लेके आए हैं, मसलक के लिए नहीं आए। अब क्या बात है, जिनको जिनको दुनिया की ख्वाहिश है उनको माल दौलत ज़रूरत है, कुरान एक है, कुरान उसको क्या माल देगा, नमाज एक है क्या देगा, उनको एक ही रास्ता है माल कमाने का, जब वो लोगों के अंदर मसले की तरह जात करेगा, वो मसले की तरह खुद नहीं उठते हैं, उनको कराया जाता क्योंकि उनके दरअसल शिकम परस्ती है, जो आलमी बेबदल होगा। हज़रत मौलाना कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह उनको एक सवाल किया गया, आप हमको फरमाइए आलमी रब्बानी किसको कहते हैं, फरमाया आलमी रब्बानी उस आलिम को कहते हैं जिसको इल्म हासिल करके 40 दिन एक खजूर पर जिंदा रहने की ताकत हो। अर्ज की यह मुमकिन है, और मुमकिन है क्योंकि उसकी वो खजूर सुन्नत के लिए खाता है, असल उसका जो गजा है अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना माइदत मिनस समातकुलना, उन्हें रूहानी गजा मिलता है, वो रूहानी गजा से उनका रूह फरबेह हो जाता है, वही उनका रूह अपने जिस्म को खैरात देता है। उनको उनके सवाल किया गया आलमी समदानी को, फरमाया जिसको एक खजूर पर 80 दिन तक इसी खजूर पर मारिफती इलाही पर जिंदा रहने की ताकत हो। शाह हमदान फरमा रहे हैं मैंने 40 चहल में 40 को ज़रब दिए 40 से 40 चहल में मैंने 3 खजूर खाए हैं, अगर सुन्नत नहीं होता मैं मरने के दम तक कुछ नहीं खाता, क्योंकि ये क्या गजा है। फरमाता है मिर्ज़ा अकबरुद्दीन बेखानी बदर की जहाँ मैं इमाम हूँ, वो फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद आप मुझे अपने साथ मुझे मत गिन लो, क्योंकि मैं आप वो खाते हो जो ज़मीन से उगता है, हम वो खाते हैं जो आसमान से आता है। आकले नूर शुदम नेस गजायम खकीम लिल्लाहिल हम्द किमन दर्श मुकामे उफ्तादम, लेकिन ये जो अवलिया होते हैं सूफियान किराम है इनका रूहानी गजा होता है, रूहानी गजा से ही हो खा, क्योंकि ये दुनिया से बेनियाज होते हैं, ये बादशाही तमन्ना नहीं होता, ये बादशाहों को दावत देते हैं फिर बादशाहों को दीन देकर खुद अपना मुल्क चलते हैं। आइए थे मिसले बुलबुल सैल गुलशन कर चले, ले लो माली बाग अपना, हम तो अपना घर चले। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत।